अस्सलाम वालेकुम, फरीदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बटाके की सूखी भाजी। ये खाने में बहुत टेस्टी और चटपटी है। सूखी भाजी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता, बस 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। तो चलिए सूखी भाजी को बना लेते हैं। सूखी भाजी के लिए मैंने 500 ग्राम बटाके लिए हैं, तो इसे धो के मैं बाफ लूँगी। 3 सीटी तक के इसे उबाल लूँगी। ये बड़ा बटाका है तो इसे काट के डालूँगी तो जल्दी गलेंगे। बटाके गलते हैं वहाँ तक के मसाला कर लेते हैं। 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ली है, लीली मिर्ची 7 ली है, तो इसे दोनों को धो के मैं पीस लूँगी दरदरा। पहले लहसुन को मैंने पीस लिया है दरदरा, क्योंकि अखे अखे लहसुन रह जाते हैं। बाद में मिर्ची डालूँगी तो अब डाल दूँगी मिर्ची भी। तो लहसुन अच्छे बारीक पीसा जाता है इसमें, इसलिए पहले मैंने लहसुन डाली हूँ। मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, ये स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से पिसा हुआ सूखी भाजी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से पिसा है। नीले दाने सूखी भाजी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नीले दाने डालूंगी। इसकी डंडी भी डालना है, इसकी डंडी भी विटामिन वाली है तो फेंकना नहीं है। नीले दाने को काट लिए है, अब बटाके को भी काट लेंगे। बटाके को बाफ लिए, अब इसके छिलके निकाल लेंगे और काट लेंगे। बटाके के चौरस टुकड़े करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और छोटे भी नहीं, इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से चौरस काट लेंगे। तेल गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी हूँ। तो अब सबसे पहले मैं रई डालूंगी, 1 चम्मच जीरा। सूखी मेथी के दाने डालने से टेस्टी बनता है, इसलिए मैंने डाली हूँ। थोड़े से कड़ी पत्ते और हींग, इन सबको धीमी आंच पे मैं होने दूंगी। थोड़े से हल्दी पाउडर डालूंगी कलर के लिए। इन सबको ऐसे बघार करने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैंने लीली मिर्ची और लहसुन को पिसा हुआ है वो भी डाल दूंगी। थोड़ा सा और तेल में होने दूंगी इसको भी। इन सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से होने देंगे। मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी। 1 मिनट के लिए ही पकाना है, तो पक चुका है मसाला अच्छे से, लहसुन थोड़ा सा हो चुका है अंदर। अब मैं ये बटाके को डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को धीमी ही रखूंगी अभी, नहीं तो नीचे जल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मैं फास्ट कर दूंगी और अच्छे से हिलाऊंगी, मिक्स कर लूंगी अच्छे से। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बनाएंगे तो। इस बटाके को ज़्यादा नहीं कलाना है, 3 मिनट के लिए ही होने देंगे। मसाला सब मिक्स अच्छे से हो जाएगा, बहुत पकने नहीं देना है, बहुत जल्दी बन जाती है सूखी भाजी। बटाके बाफेल है इसलिए ज़्यादा नहीं इसे बनाना है, खाली इसे गर्म ही करना है अच्छे से तेल में। अब इसमें मैं लीले दाने डाल दूँगी, तो इसमें ज़्यादा लीले दाने डालने से स्वाद अच्छा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा डालूँगी। थोड़े से लीले दाने बचा लिए, ऊपर से भी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी जल्दी से सूखी भाजी बन गई है। ये सूखी भाजी को आप सफ़र में भी ले जा सकते हो और टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। ठंडी भी हो जाएगी तो भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। सूखी भाजी बन चुकी है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप इसे थेपले या पूरी या फिर रोटी के साथ खा सकते हो। मैं यहाँ पर पूरी के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।